रामनगरी अयोध्या में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने बताया कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए चिकित्सालय में 3 स्तर पर तैयारी की जा रही है। इमरजेंसी सेवा के लिए आने वाले मरीजों की स्क्रीनिंग होगी, संक्रमित या फिर संदिग्ध पाए जाने पर क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही बताया, जिला अस्पताल में पंजीकरण कक्ष के पास स्थापित ट्रायल कैबिन स्थापित किया जा रहा है। जिला अस्पताल में कोरोना संदिग्धों के लिए अधिकतम 25 मरीज की क्षमता वाला होल्डिंग वार्ड भी बनाया गया है। साथ ही आवश्यकता होने पर 10 बेड की क्षमता वाला आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए हर स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जो शासन के अभी लेटेस्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक जितने भी अस्पताल हैं जहां पे इमरजेंसी सेवा दी जानी है वहां 3 प्रकार की व्यवस्था करनी है। सबसे पहले एक ट्रायज की व्यवस्था करनी है, जहां की जो भी मरीज आकस्मिक सेवाओं के लिए आता है उसका परीक्षण करके और उसको विभाजित करना है कि वो बिल्कुल ग्रीन है, यानी कि उसमें कोई कोविड के लक्षण नहीं है। दूसरा, जिनमें कोई लक्षण हो सकता है डाउटफुल है, और तीसरा जहाँ पे ही कन्फर्म है, अगर कोई कोविड कन्फर्म है तो उसको बाहर से रखना है। तो ये 3 चीज़ों के लिए प्रत्येक अस्पताल में व्यवस्था करनी है। उसी के क्रम में मैंने अभी जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है और उसमें जहाँ पे इमरजेंसी के सामने जहाँ पर्चा बनता है वहाँ पे ट्रायज का केबिन स्थापित करने के लिए और एक जो होल्डिंग वार्ड बनाना है वो एक वार्ड में 20-25 बेड की व्यवस्था होल्डिंग करने के लिए, ताकि अगर किसी में संदिग्ध कोई लक्षण दिखा है तो उनको वहाँ अलग रखेंगे और उनकी फिर सैम्पलिंग कराई जाएगी और कन्फर्म होने पर चाहे तो उनको L1 या L2 में भेजा जाएगा और यहाँ अत्यावश्यक हुआ तो यहाँ भी रखने के लिए एक अलग से आइसोलेशन वार्ड जो कि इस बगल के बिल्डिंग में है उसमें 10 बेड की व्यवस्था की गई है कार्डियोलॉजी में। तो इन तीनों व्यवस्थाओं को देखा है, उसमें जो भी और इम्प्रूवमेंट करना है वो उसके हिसाब से बात हुई है, वो एक आधे में वो भी इम्प्रूवमेंट कर लेंगे और व्यवस्थाएँ से भी सपोर्ट होगी।